चलिए बच्चों, सो विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक। अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। कौन सा टॉपिक है? फिकरा। और बच्चों यू नो, अपने आप को रोज मोटिवेट करना किया करो बच्चों, ठीक है? रोज एक रीजन मिलना चाहिए आपको मोटिवेट करने का, यस और नो? जैसे नहाना जरूरी है, वैसे ही मोटिवेशन भी रोज जरूरी है बच्चों, यस और नो? जिग ज़ेगलर ने बोला था ये बात। कौन था जिग ज़ेगलर? मुझे भी नहीं पता, बट कोई तो बड़ा आदमी था बच्चों। आज ही मैंने फेसबुक पे देखा, किसी ने शेयर किया था कि जैसे नहाने का इंपैक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहता, आपको रोज नहाना पड़ता है, वैसे ही मैं आपको आज मोटिवेट कर दूंगा। एक बार तुम बाहर गए, तुम्हारा कोई दोस्त मिला, अरे छोड़ना हटाना यार, मोटिवेशन खत्म। सो मोटिवेट योर सेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस, इज दैट क्लियर? हाँ जी, फिकरा। ओए बच्चों, फिकरा फिकरा है, फुकरा नहीं है। चले, कौन सा एक्ट है बच्चों? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, ध्यान से, ईयर कौन से? 2010 होगा मेरे हिसाब से, मैंने यहीं से देख लिया था इधर। तो ध्यान से देखिए बच्चों। सो अब नाम देखो तो फॉरेन का मतलब है विदेशी, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान, रेगुलेशन मतलब नियंत्रण, एक्ट मतलब कानून। ये 2010 का लॉ है, इसके पहले 1976 का लॉ चलता था। इसके पहले कौन सा लॉ था? 1976 का लॉ था। 1976 वाले लॉ को रिपील किया गया और उसके बदले नया लॉ पास किया, कब बच्चों? मयूर भाई, तुम लोग नया नया सोने का स्टाइल डिस्कवर करते हो, मैं क्या बताऊं, इतना इसका आधा इनोवेशन पढ़ाई में लगा दिया ना भाई, AIR 1 आएगा इधर। तो बच्चों ध्यान देखिए, सो ये जो कानून है बच्चों, ये जो कानून है, ये किससे डील करता है? मेरी आंखें दिख रही हैं क्या? तो ये चश्मा लगा देता हूं। ये जो कानून है बच्चों, ये किससे डील करता है बच्चों? ये कानून विदेशी योगदान को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है बच्चों? अब बच्चों यहां पे दो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर या इस लॉ के अंदर, दो मेन चीजें हैं जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। बच्चों एक क्या है? द फर्स्ट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द अदर इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ये जो एक्ट है, ये दो चीजों पे फोकस करती है, ठीक है? अब बच्चों व्हाट दिस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज, अगला जो सवाल है कि ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान से। योगदान। अच्छा, योगदान जो है वो फ्री में आता है या पैसे के अगेंस्ट आता है? योगदान योगदान, जैसे आपके करियर में मेरा थोड़ा बहुत योगदान होगा, वो मेरा योगदान फ्री में या पैसे के अगेंस्ट? अरे गधों, पैसे के अगेंस्ट नहीं अरे योगदान मतलब, देखो मतलब एज अ टीचर मैंने तुमको पढ़ाया था, उसके लिए पैसा लिया है, बट उसके अलावा भी तो मोटिवेट किया ना बच्चों, उसका तो पैसा नहीं लिया। सो बोले सर वो तो हमको यूट्यूब पे कहीं से भी मिल जाता, आपसे भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते, बट ठीक है। सो योगदान इज समथिंग, योगदान इज समथिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग जो फ्री में होता है, बेसिकली चंदा। हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा। बच्चों एक गाना भी था, चंदा है तू, लोग हाँ लोग चंदे से इतना प्यार करते हैं क्योंकि चंदा फ्री में आता है। चंदा किस में आता है बच्चों? चंदा फ्री में आता है, ध्यान से। अब बच्चों सुनो ध्यान से, बच्चों मान लीजिए मैं एक नगर सेवक हूं, कौन हूं? पार्षद भी बोलते हैं जिसको, ठीक है? सो मैं एक नगर सेवक हूं या फिर क्या हूं बच्चों? एक पार्षद हूं बच्चों। इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं, इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं, और बच्चों इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च करना है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, ठीक है बच्चों? बच्चों कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो फिर पैसा चला जाता है, इसलिए मैंने बोला मेरे पास क्या नहीं है, ठीक है? मैं अपने माइंड को कोई गलत मैसेज नहीं भेजना चाहता, ठीक है? बहुत सारा है मेरे पास बच्चों, इतना है कि घर पे रखने की जगह नहीं है, किसी को चाहिए तो बोल देना
कल दे देता हूँ, इधर कल दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, ठीक है इधर। तो ध्यान देखना, तो बच्चों ध्यान देखिए, तो अब बच्चों आज बच्चों मेरे पास पैसा नहीं है बच्चों इलेक्शन लड़ने के लिए, बहुत कमी है पैसे की, और चुनाव जीतना है मेरे को बच्चों, मतलब मेरा पूरा इरादा है चुनाव जीतने का, ठीक है। तो बच्चों पाकिस्तान में एक बर्बादे हिंद करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है बच्चों, बर्बादे हिंद। तो बच्चों फेसबुक पे इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा बर्बादे हिंद, और एकदम सुंदर सी लड़की थी बच्चों डीपी में, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया बिना देखे क्या नाम है। और फिर मुझे उससे मैसेज आया कि मैंने सुना है जानू तुम इलेक्शन लड़ने वाले हो, मैंने बोला हाँ बेगम, तो उसने बोला कि तो मैंने ये भी सुना है कि तुमको पैसों की जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, मैंने बोला हाँ बेगम बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे, क्या करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, इधर इधर इधर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो उसने मुझे बोला जानू पर तुम इंडिया में तो बहुत बदनाम हो, ये सुनो बच्चों। तो मैंने उसको बोल दिया कि मुखालफत जो है ना वो मेरी शख्सियत को संवारती है, अपने दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं, किसी को समझा नहीं, मतलब ये जो कटु शब्द हैं, ये जो कटु शब्द हैं ये मेरी शख्सियत को और महान बनाते हैं, और अपने दुश्मनों का मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूं। तो जानू मतलब मेरी बेगम एकदम खुश हो गई, बेगम ने बोला चेक योर बैंक अकाउंट, आई हैव ट्रांसफर्ड 100 करोड़ रुपीज, नाउ विन द इलेक्शन आयुष्मान भवा। मैंने बोले नरेंद्र मोदी कहां से आ गया, अरे योजना है ना आयुष्मान भारत, नहीं नहीं बोले जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर, मैंने बोला ओके थैंक यू। मेरे अकाउंट में कितना आ गया बच्चों, 100 करोड़ आ गया। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 ही घर थे बच्चों, मैंने हर घर में कितना कितना दिया बच्चों, 1-1 करोड़ रुपए दे दिया बच्चों। और बच्चों मैं 1-1 करोड़ दिया तो जो सामने वाला कैंडिडेट था बच्चों उसने भी मेरे को वोट दिया बच्चों, ठीक है। और बच्चों मैं चुनाव क्या हो गया, जीत गया बच्चों। जीत जाने के बाद मुझे बेगम का मैसेज आया पाकिस्तान से बर्बादे हिंद से कि जानू मैं आपको एक पार्सल भेज रही हूं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आप भेज दीजिए बिल्कुल, बोले मैं कुरियर से भेज रही हूं, मतलब बिल्कुल भेज दीजिए, उसमें जानू उसमें कुछ सामान है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी मंदिर हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र में आपको वहां जाके रखने, मेरा जानू मैं खुद जाके खड़ा हो जाऊंगा आप बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चों। वहां पे मैंने रखा बच्चों सारे मंदिरों में, उसने बोला चर्च में भी रख दो, तो बच्चों मैंने चर्च में भी रख दिया, ये सुनो बच्चों सब में बम था बच्चों। और वो बम क्या हो गए और बच्चों वो बम क्या हो गए बच्चों, फट गए बच्चों, ठीक है। फिर फटने के बाद बच्चों मैं भी चिथड़े चिथड़े उड़ गए मेरे भी। तो बच्चों फिर मैंने उसको फोन किया जानू ये क्या है, मैंने उसको फेसबुक मैसेज किया जानू ये क्या है, तो उसने मुझे रिप्लाई किया जानू देर आर नो फ्री बाउंटीज इन द वर्ल्ड, मेरे बच्चे दुनिया में कुछ भी फ्री में मिलता नहीं है। सो बच्चों मैं आपको एक ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था जिसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि बच्चों इंडिया में ऐसे कई लोग हैं, चाहे वो सरकार के मुलाजिम हो, सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो इलेक्शंस या हमारे राजनीतिक नुमाइंदे हो, बच्चों ये सारे लोगों को विदेश से चंदा मिलता है क्या, डू दे एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यस डू दे डू एक्सेप्ट बच्चों। या फिर भारत में ऐसी कई एनजीओज हैं, भारत में ऐसी क्या है बच्चों, भारत में कई एनजीओज हैं बच्चों जो क्या लेती हैं विदेशों से, क्या लेती हैं बच्चों, चंदा लेती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन लेती हैं, और बच्चों उस चंदे का उपयोग, उस चंदे का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है। उस चंदे का उपयोग किसके लिए होता है बच्चों, उस चंदे का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है बच्चों, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है। सो ऐसा है बच्चों, क्या आपको लगता है, यस स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, इट इज बेसिकली एन एनजीओ, इट इज बेसिकली एन एनजीओ जिसको पाकिस्तान से अनाप शनाप फंडिंग आती है बच्चों,
और ये जो एसोसिएशन है ये क्या करती है बच्चों, व्हाट दिस एसोसिएशन डज, बच्चों ये एसोसिएशन को 2014 में शायद प्रतिबंधित कर दिया गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या करने से, एक्सेप्ट करने से. क्यों? क्योंकि ये पाया गया था कि ये लोग भारत विरोधी गतिविधियों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं. बच्चों बच्चों ऐसे कई चर्च हैं, आपने सुना भी होगा, ऐसे कई चर्च हैं जिनको फंडिंग फॉरेन से आती है और ये चर्च बड़ी भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन का काम करवाते हैं. सुना है आपने? इंडिया में बहुत मार्स स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे क्या होता है बच्चों, रिलीजियस कन्वर्जन होता है. यस और नो बच्चों? सॉरी, हाँ बच्चों, मैंने इन लोग को एक वीडियो भी दिखाया था कि कैसे कन्वर्जन होता है. गूगल बच्चों वो तारा रारा तारा बच्चों, वो जो अनएडुकेटेड लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि इस औरत को किडनी में प्रॉब्लम है, इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और देखो जीजस इसको कैसे ठीक कर देंगे. तो लगाओ कि अभी मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ इधर, और जीजस इसको कैसे ठीक कर देंगे करके बोलते हैं और फिर वो पीछे गाना बजाते हैं बच्चों तारा रारा 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 रारा, और वो लड़की बच्चों ऐसे डांस करने लगती है और ठीक हो जाती है बच्चों तुरंत 10 सेकंड के अंदर. बच्चों दिखाता अभी वो साउंड नहीं आएगा, नहीं तो मैं दिखाता. तो बच्चों लिसन टू मी, तो बच्चों बहुत बड़ा अमाउंट किस लिए यूज होता है बच्चों, ये इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बच्चों, धर्म परिवर्तन हो रहा है बच्चों. इंडिया में इट इज द कंट्री जहां पे इंडियंस लोग बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चों, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. और ये पैसा कहां से आ रहा है बच्चों? झारखंड में तो आपको पता है ना, अगर आपके यहाँ पे कोई आपकी माँ बीमार है और आपको पैसा चाहिए उसके इलाज कराने के लिए तो आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, 1 लाख रुपए मिल जाता है, 2 लाख रुपए मिल जाता है और आपको आप अपनी माँ का इलाज करा लो. सो बच्चों इंडिया में ऐसा बहुत होता है. तो बच्चों हम क्या चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फॉरेन से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है? गलत इस्तेमाल हो रहा है बच्चों. तो बच्चों ये जो एक्ट है, पहला ये जो एक्ट है ये किसको रेगुलेट करेगी बच्चों? बच्चों ये एक्ट क्या किसको रेगुलेट करेगी? पहला रेगुलेट करती है बच्चों किसको? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से, विदेशों से जो चंदा आ रहा है. और दूसरा ये एक्ट रेगुलेट करती है बच्चों किसको? फॉरेन, यस बेटा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को. नाउ व्हाट इज दिस फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बच्चों? नवजोत सिंह सिद्धू सबको पता है, रिसेंटली ही हैड बीन टू पाकिस्तान. इधर देखिए बच्चों, नवजोत सिंह सिद्धू रिसेंटली हैड बीन टू पाकिस्तान. और बच्चों पाकिस्तान भले ही कंट्री जैसी भी है बट वहां के लोग बहुत अच्छे हैं. लोग इन द सेंस मतलब साले टेररिस्ट ही हैं बट बहुत अच्छे लोग हैं बच्चों. उनके हुक्मरान गलत हैं बट मैं सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं बच्चों, मतलब दे आर वेरी गुड ह्यूमंस. ठीक है, 90% टेररिस्ट हैं, 10% जो है बच्चों दे आर वेरी गुड, जो इन्फ्लुएंस नहीं है. जो क्या नहीं है बच्चों? इन्फ्लुएंस नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के. सो ये भाई गए वहां पे सिद्धू साहब, और सिद्धू साहब ने बच्चों इतना उनको वहां पे सत्कार मिला, इतना प्यार मिला कि बातों ही बातों में क्या बोल दिया उन्होंने कि जितना प्यार उनको हिंदुस्तान में नहीं मिलता उतना कहां मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है. पाकिस्तान की सरकार बहुत अच्छी है, पाकिस्तान इंडिया से हमेशा मित्रता करना चाहता है बट भारत की सरकार निकम्मी है, वो कोई स्टेप नहीं लेती बच्चों. समझ में आ रहा है बच्चों? अरे हालांकि सिद्धू इज कट्टर विरोधी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है बच्चों, ही इज फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है, बट बच्चों क्या ना इसे, क्या आपको वो स्टेटमेंट देना चाहिए था बच्चों? आपको वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था. और सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री है बच्चों, बहुत पावरफुल आदमी है, उसको तो कतई नहीं देना चाहिए था ये स्टेटमेंट, लेकिन उसने ये स्टेटमेंट दे दिया. क्यों दे दिया? बाकी बच्चों पाकिस्तान वालों ने जो क्या किया उसका उसका स्वागत किया, उस स्वागत के चलते बच्चों वो भावनाओं में बह गया और उल्टा सीधा बयान दे दिया बच्चों. हमारे जवानों के सर कट करके वो लोग भेजते हैं बच्चों हमको, मतलब वो लोग इंडियन लोगों को बर्बरता से मारते हैं बच्चों, बर्बरता से. हम भी मारते हैं उनके लोगों को बट बर्बरता नहीं करते. किसी का कान काट दिया, किसी के आंख में सुई डाल दी, किसी के कान काट दी, किसी की टंग काट दी, वी डोंट डू दैट. ये वो लोग करते हैं बच्चों, और आप उनकी कंट्री में जाके बच्चों ऐसा बोल रहे हो बच्चों. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बच्चों सिद्धू का जो स्टेटमेंट था बहुत गलत था बट
अच्छा गलत ही आदमी है वो, आई शुड नॉट से, बट मतलब आप क्यों बोल दिया उसने, है तो वो ठीक है जो भी है, बट बच्चों एक रीजन ये है कि पाकिस्तान में उसको जो क्या मिला, ट्रीटमेंट मिला, जो हॉस्पिटैलिटी मिला, जो क्या मिला वो उसके चलते भावनाओं में बह गया बच्चों, है ना। अब मुझे बताइए उसके स्टेटमेंट का क्या होगा बच्चों। बच्चों कल की तारीख में ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धू जो है वो पाकिस्तान के लोगों को इलीगल एंट्री भी दिलवा सकता है, समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान के लोगों से कि उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, तो बच्चों वो कुछ भी काम कर सकता है बच्चों। तो बच्चों कैन आई से इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मान लो इंडिया का कोई जज, इंडिया का कोई क्रिमिनल कोर्ट का जज अगर पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले बच्चों, ऐसा ट्रीटमेंट कि उसका पैर जमीन पे नहीं पड़ने दिया बच्चों, जहां उसका पैर पड़ा वहां रेशम बिछा दिया बच्चों उन लोगों ने, और वो जज जब इंडिया आए और जब केस की सुनवाई करे और सामने 6 टेररिस्ट खड़े हुए हैं बच्चों, क्या करेगा वो जज? उन लोगों को सजा दे पाएगा या छोड़ देगा? तो ये हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में है या नहीं है? नहीं है। मतलब जिन लोगों को फॉरेन से हॉस्पिटैलिटी मिलती है, जिन लोग को फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्या ये लोग उस कंट्री के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, उस कंट्री के इंटरेस्ट का केयर रखते हैं, हाँ या ना? लेकिन जो हमारे देश के हित में है या नहीं है बच्चों, ये अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चों ये हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। तो हमारा जो ये कानून है, कौन सा कानून है बच्चों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या करता है बच्चों? ये ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को क्या करता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को क्या करता है बच्चों? अलाउ करता है, अलाउ करता है, बट क्या करता है बच्चों? रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हम लोग ये चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्टिव समझ में आया सबको? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट? टू रेगुलेट। टू रेगुलेट व्हाट? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिट। अच्छा, और ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कौन करेगा? फॉरेन सोर्स। कौन बच्चों? फॉरेन सोर्स मतलब फॉरेन की गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन का सिटीजन हो सकता है, फॉरेन की कंपनी हो सकती है, यस और नो बच्चों? अरे हाँ या ना। और क्यों प्रोवाइड करेगा? बेमतलब या मतलब है उसका, ताकि उसका इंडिया में काम बनता रहे, यस और नो बच्चों? चलिए लेट्स सी बच्चों, देखते हैं। सो विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन। द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट व्हाट बेटा? ओए, द पर्पस ऑफ एक्ट इज व्हाट? टू रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन सर्टेन केसेस। इट इज ट्रू दैट मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेयर बच्चों? समटाइम्स द सपोर्ट इज ऑब्टेन थ्रू सम सोशल और एपरेंटली, एपरेंटली मतलब लगता है या हो सकती है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार क्या होता है, फॉरेन से कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आता है पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर कई बार क्या होता है डायरेक्टली नहीं आता। जैसे बीजेपी को आना है तो बीजेपी को डायरेक्टली नहीं आएगा, आरएसएस को आएगा। किससे आएगा? और आरएसएस से किसको आएगा? बीजेपी को। तो कई बार बीजेपी डायरेक्टली, कई बार बीजेपी फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या करती है, डायरेक्टली एक्सेप्ट करती है, और कई बार इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करती है। इनडायरेक्टली मतलब किसी दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट सम कंट्रीज प्रोवाइड कॉन्ट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी टू होम बच्चों? टू पर्सन एट विच लेवल? सीनियर लेवल। सीनियर लेवल मतलब जो ऊंचे लेवल के ऑफिसर्स हैं बच्चों, यस और नो बच्चों? सो दैट दीस पर्सन कैन लुक आफ्टर व्हाट बेटा? इंटरेस्ट ऑफ दोज कंट्रीज इन इंडिया, ताकि वो सीनियर लेवल के इंसान उन कंट्रीज के हितों का क्या रख कर सके, उन कंट्रीज के हितों का क्या रख सके, ध्यान रख सके। कहां पे ध्यान रख सके? इंडिया में। ठीक है, लेट्स सी डेफिनेशन। अच्छा, ऑब्वियसली ये देश के हित में है या नहीं है, भारत के हित में है या नहीं है? ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, हेंस द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू व्हाट बेटा? प्रिवेंट सच कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी। कहां पे बच्चों? एट द हाई प्लेसेस। करेक्ट है, सबको समझा? सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट? टू रेगुलेट व्हाट?
फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, जो लोग लिखना चाहते हैं छोटी सी लाइन लिख लेंगे, द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन what beta foreign contribution and foreign hospitality in the interest of country. चलिए अब बच्चों guaranteed आ सकती है आपके exam में, एक short note के ऊपर definition आ सकती है. कौन सी definition बच्चों? What is foreign contribution? जी बेटा please बोलिए. Sorry hype. हाई प्लेसेस मतलब, अच्छा मैडम का क्वेश्चन है कि सर ये हाई प्लेसेस का मतलब क्या होता है. बच्चों कोई मुझे बता सकता है हाई प्लेसेस का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, जो बहुत सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज है ना. किसको बच्चों? जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज हैं बच्चों, उनको रोकना बच्चों. जैसे मान लो हमारे यहां पर कोई जीएसटी के कमिश्नर है, अगर मान लो वो कहां गए, अगर वो मान लो यूएसए घूमने गए, और जब वो यूएसए घूमने गए तो उनको इतना ट्रीटमेंट दिया यूएसए की गवर्नमेंट ने, इतना ट्रीटमेंट दिया, 7-star होटल में स्टे, रोज लेट नाइट पार्टी करवाई, उनकी फैमिली को बच्चों प्राइवेट जेट दे दिया कि भाई घूमो यूएस में, जहां मन आए उतार लेना अपने घर है. और जब वो इंडिया वापस आए तो मुंबई में उस अमेरिका यूएस की गवर्नमेंट को इंडिया में 2,000 crore का जीएसटी पे करना था जो उसने पे नहीं किया था. तब वो जो इंडियन कमिश्नर है क्या करेगा? मामला अगर उनके पास आएगा तो वो क्या करेंगे? वो केस एक्सेप्ट करेंगे या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे. तो बच्चे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. सो बेसिकली व्हेन आई से हाँ, लेकिन कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट का अगर चौकीदार यूएसए जाए तो बच्चों उसको ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? उसको बोलेंगे चौकीदार ही छोड़े, भाग यहां से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो बच्चों? तो बच्चों ये किसको, ये प्रिविलेज किसको मिलता है? हु गेट्स दिस प्रिविलेज? द पीपल हु आर सिटिंग एट हाई प्लेसेस. इज दैट क्लियर? तिवारी जी, सॉरी पांडे जी, क्लियर है? चलिए, क्या हो गया, तबीयत डाउन दिख रहा है? तबीयत अभी ठीक है क्या? थोड़ा डाउन दिख रहा है. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों? बच्चों ध्यान से देखिए, जो अगली डेफिनेशन है वो है व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बच्चों ये चीज एकदम अच्छे से समझना पड़ेगी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है. चलिए देखते हैं ध्यान से, इधर प्लीज हियर, लिसन टू मी. अब अगर मुझे आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझाना है तो कुछ पार्टीज मुझे आपके सामने ड्रॉ करनी पड़ेंगी. सबसे पहला तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो किससे आएगा बच्चों? वो फॉरेन सोर्स से आएगा. हाँ है ना? किसको मिलेगा? किसी इंडियन को ही मिलेगा. हाँ है ना? नाउ किस फॉर्म में मिलेगा? ध्यान से देखिए, डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफर. डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफर. या तो फॉरेन से इंडिया में क्या आएगा? डोनेशन आएगा. या तो फॉरेन से इंडिया में कोई एसेट क्या होगा? डिलीवर होगा. या फिर फॉरेन से क्या होगा? कोई सिक्योरिटी या फॉरेन की करेंसी क्या होगी? ट्रांसफर होगी. सो डोनेशन, डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ व्हाट? डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफर किस चीज का? नंबर वन आर्टिकल, एनी आर्टिकल. हा किसकी बच्चों? एनी आर्टिकल. हाँ, हालांकि जिस आर्टिकल की कीमत कितनी है? 25,000 रुपए तक है, 25,000 रुपए तक है, और वो पर्सनल यूज के लिए भेजी गई है. किस लिए भेजी गई है बच्चों? वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती. मतलब फॉरेन के किसी आदमी ने मुझे 25,000 रुपए का बच्चों मुझे क्या भेजा है?
कोई भी गिफ्ट भेजा है बच्चों, वे प्रोटीन भेजा है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है हुसैन, जिसने मेरे लिए इराक से क्या भेजा है, प्रोटीन भेजा है बच्चों, जिसकी कीमत 15,000 रुपए है। और किसके लिए, बेचने के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चों वो क्या नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितने रुपए ज्यादा का होना चाहिए, अगर वो किसी आर्टिकल के रूप में है, किसके रूप में है, तो वो कंट्रीब्यूशन तब माना जाएगा जब उसकी कीमत कितने से ऊपर की है, 25,000 आर्टिकल, या फिर कोई फॉरेन की करेंसी, या फिर फॉरेन की सिक्योरिटी। बच्चे व्हाट व्हाट इज फॉरेन सिक्योरिटी, करेंसी तो सबको पता है, फॉरेन की करेंसी, शेयर्स, डिबेंचर्स, जो किस में डिनोमिनेटेड है, रुपीस में या डॉलर्स में। अच्छा, व्हेन आई से डॉलर, इसका मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी है, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू डॉलर, इट मे बी पाउंड, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। सन 2013 में राहत फतेह अली खान दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ाया था, ही वॉज कैरिंग 1,24,000 US डॉलर विच वर अनडिक्लेयर्ड, जो क्या थे बच्चों, अनडिक्लेयर्ड थे। तो कल उसको नोटिस इश्यू किया बच्चों, 4 साल से इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था बच्चों। तो कल उसको क्या इश्यू हुआ है, उसके अगेंस्ट फेमा के अंदर, किसके अंदर बच्चों, फेमा के अंदर मुकदमा दायर हुआ है। तो क्या उसमें यह भी आ सकता है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। वो क्या बोलेगा कि वो पैसा मुझे डोनेशन से मिला था इंडिया में। तो लेट्स सी क्या बोलता है वो अपने डिफेंस में, अभी उससे जवाब मांगा गया है। एनीवे, सो बच्चों क्या हो गया, ओए फॉरेन सोर्स किसी इंडियन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, या फिर ट्रांसफर कर रहा है, किसका, आर्टिकल का, करेंसी का, या फिर फॉरेन की सिक्योरिटी का, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं, मतलब ऐसे कई केसेस हैं जहां पे फॉरेन से इंडिया क्या आएगा, फॉरेन से इंडिया पैसा आएगा, बट उसको आप कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं मानोगे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, चलिए ये तीन तो हो गया। अच्छा, ये तीन चीजों को अगर आपने कहां पे जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, मान लो फॉरेन से आपको कुछ पैसा आया और आपने उसको कहां पे जमा कर दिया, और उस बैंक में जमा करने से आपने एफडी वगैरह कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, या फिर आपने इसको स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे क्या जनरेट हो गया, इनकम जनरेट हो गया, मतलब पैसा आपके पास आया और आपने बैंक में रखा, तो आपको बैंक में रखने पे आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, या फिर आपने उस पैसे को स्टॉक मार्केट में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, डिविडेंड वगैरह मिल गया, कुछ भी मिल गया। क्या उस पैसे को भी मैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मानूंगा, नहीं, वो बोल रही है इंडिया में आ गया ना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है ये, वो बोल रही है इंडिया में आ गया इसलिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बने केस पड़ा था ना, नहीं। ना बताइए बच्चों, सॉरी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, उसको बैंक में जमा कर दिया और उससे इंटरेस्ट मिला या उससे कोई इनकम हुआ, क्या उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानोगे, यस, उसको भी अपन क्या मानेंगे बच्चों, उसको भी अपन फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज याद रखना, एक इंसान खुद भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, अगर मान लो वो इंसान खुद फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता। सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई इंसान खुद फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लॉ ने मना किया है, उसको लॉ ने क्या किया है कि भाई तू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उस इंसान के बदले अगर कोई दूसरा इंसान पैसे रिसीव करे फॉरेन से, तो क्या उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। सीधी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपके बिहाफ पे कोई और करेगा, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, यस। अगला सवाल यह है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या नहीं आता, अगला सवाल यह है कि व्हाट डज नॉट कम, व्हाट डज नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट डज नॉट कम, तो क्या क्या नहीं आता, ध्यान से देखो बच्चों, एडुकेशनल को फॉरेन से क्या मिलती है, फीस मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आईकेन अकेडमी में या सिम्बायसिस कॉलेज में
कोई फॉरेन का बच्चा एडमिशन ले तो वहां से क्या आती है, फीस आती है। क्या आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन मानोगे? अरे हाँ या ना? ना। दूसरा, पेमेंट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। बच्चों मैंने फॉरेन, मैंने चार बुक्स अपनी फॉरेन भेजी, दुबई भेजी, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगाई मेरे से, तो कि दुष्यंत सर अपने नोट्स भेजो, पढ़ना है मेरे को। मैं ना भाड़ में जाओ नहीं दूंगा, वो आपकी बेटी है उसको दे दूंगा। मेलिना क्या है, लवीना, जो भी आपकी बेटी को दे दूंगा। तो बोले ठीक है दुष्यंत मेरी बेटी के लिए भेज दो, उसकी बेटी के लिए मैंने बुक भेज दी। ये सुनो बच्चों, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि दुष्यंत सर आपको पैसे लेने पड़ेंगे, प्लीज सर पूरे $10,00,000 दूंगा मैं आपकी बुक को। मैं सर नहीं सर प्लीज सर ऐसा मत करो। बोल नहीं सर आपको लेना पड़ेगा। मैं ठीक है भेज दो। तो बच्चों मैंने जो पैसा रिसीव किया वो कैसे रिसीव किया ना, अबे दिमाग मत लगाना तुम लोग कि सर वो तो आपकी 100 रुपए की 500 रुपए की किताब थी, आपको वहां से वो मिल गया तो वो फॉरेन। अरे एग्जांपल है, मतलब मैंने अगर गुड्स और सर्विसेज बेचे हैं, भेजे हैं, तो क्या मैं उसका इंडिया में पैसा रिसीव कर सकता हूं? यस। और थर्ड, ध्यान देखो, मनी रिसीव्ड एज एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स। एज एजेंट ऑफ होम बच्चों, इन इंडिया। मनी रिसीव्ड एज व्हाट बेटा? एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन इंडिया। बच्चों एक मिनट एक मिनट, मैं यूएसए की गवर्नमेंट का इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं इंडियन हूं, मेरा नाम दुष्यंत जैन है और मैं यूएसए की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं। बच्चों मैं यूएसए की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, कहां पर रिप्रेजेंट करता हूं? इंडिया में रिप्रेजेंट करता हूं। यूएसए की गवर्नमेंट को भारत सरकार के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना था, किसको, और उसके लिए यूएसए की गवर्नमेंट को पैसे देने थे, तो उन्होंने वो पैसे किसके अकाउंट में डाल दिए? मेरे अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि मैं यूएसए की गवर्नमेंट का क्या हूं, एजेंट हूं, तो उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब जब उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए तो क्या आप ये बोलोगे कि दुष्यंत जैन को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया है? नो, क्योंकि ये पैसा मैंने कैसे रिसीव किया है, ये पैसा मैंने रिसीव किया है बतौर एजेंट। इज एवरी वन विथ मी? So, बच्चों अगर हाँ प्लीज बोलिए श्रद्धा श्रेया। एक मिनट बस, मैं माफी मांग के आपको इंटरप्ट करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से हमने इस एक्ट के अंदर क्या किया है, प्रोहिबिट किया है। ठीक है, विल प्रोसीड फर्दर, हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट तो फिर आपका डाउट वहां पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हर डाउट इस की पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती है नहीं कर सकती है। तो मैंने सीधे सिस्टम ही खत्म कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी को तो हमने खासकर रोका है कि भाई तुम क्या मत करो, एक्सेप्ट मत करो। लेट्स सी, अपन आगे एक बार देखेंगे। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए एग्जाम में दे आस्क क्वेश्चन अबाउट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, विल यू बी एबल टू राइट? आपको ये चीज याद रखनी है, DDT, डोनेशन डिलीवरी एंड ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? एक बार नोट देखें बच्चों क्या लिखा है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मींस डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर, कहां से बच्चों? मेड बाय होम बच्चों, ऑफ एनी व्हाट बेटा, ऑफ एनी आर्टिकल एक्सक्लूडिंग एनी आर्टिकल रिसीव्ड एज गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज, और जिसकी वैल्यू कितनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वैल्यू 25,000 से ज्यादा नहीं है, ऑफ एनी करेंसी और एनी फॉरेन सिक्योरिटी। यस और नो बच्चों? द फॉलोइंग विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ, नीचे लिखी हुई चीजों को हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मानने वाले नहीं है। क्या क्या? फीस, पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओए ओए ओए, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने फॉरेन में भेजे हैं तो उसका पैसा जो मुझे मिला है। और लास्ट क्या है, मनी एज एजेंट ऑफ वॉट, मनी एज एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स। इट मे बी नोटेड दैट डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन शैल ऑल्सो बी डीम्ड एज, मतलब हम्म,
अरे किसी भी इंसान ने क्या किया है, किसी भी इंसान ने अगर पैसा एक्सेप्ट किया है, करेंसी एक्सेप्ट किया है, कहां पे पैसा एक्सेप्ट किया है बच्चों? इंडिया में। खुद के लिया, किसी और के बिहाफ पे, या तो डायरेक्टली लिया है या फिर कैसे लिया है, थ्रू, या तो आपने कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली लिया है या फिर डायरेक्टली लिया है किसी और के थ्रू लिया है। तो अगर आपने किसी और के थ्रू लिया है तो भी मैं क्या मानूंगा उसको, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये पॉइंट शायद आप लोग के नोट्स में नहीं होगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा, 3 लाइन है। कौन सा बच्चों? ओए 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 इधर, कौन सा? तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा, इंटरेस्ट और इनकम, इंटरेस्ट और इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। इनकम, एक मिनट, यहां लिख लेना, इनकम और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वॉट, विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए बच्चों इधर। भाई मोबाइल देख रहा है क्या? तुझे मां कसम है, अगर तूने मोबाइल नहीं देखा तो प्लीज देख, प्लीज देख इधर। चलिए आगे बढ़े बच्चों, शैल वी, चलिए। अरे बस बस नहीं, लास्ट है अपना। व्हाट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बच्चों? इधर 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 इधर, अगला डिस्कशन, आज का आखिरी डिस्कशन होगा। व्हाट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? प्लीज बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉरेन का मतलब विदेशी, विदेशी, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? सत्कार। इधर देखो, लॉजिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्ट, रहना, ट्रैवल, लोकल ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? लोकल ट्रांसपोर्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब का खर्चा, ये सब का खर्चा तुमको फ्री मिल रहा है या डिस्काउंट पे मिल रहा है या दोनों? अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है तो वो हॉस्पिटैलिटी नहीं है। कैसे मिलना चाहिए बच्चों? अगर वो तुमको फ्री में मिल रहा है, अगर तुम फॉरेन घूमने गए, अगर तुम कहां गए, फॉरेन घूमने गए, तो तुमको सब कुछ क्या है बच्चों? फ्री है। और ये कौन दे रहा है तुमको सब फ्री में? कौन मजे करा रहा है तुमको? कौन वो बच्चों? कौन? फॉरेन सोर्स। कौन मजे करा रहा है बच्चों तुमको विदेश में? तुमको फॉरेन सोर्स, ये सबका खर्चा कौन बियर कर रहा है बच्चों? फॉरेन सोर्स बियर कर रहा है। क्या है बच्चों वो? व्हाट विल दैट अमाउंट टू? इट विल अमाउंट टू फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इज दैट क्लियर? हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? अरे हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो लोग रिसीव करते हैं वो क्या बने, वो रिसीव करें, बट उनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ताकि देश हित के साथ समझौता ना हो। अरे हाँ या ना? चलो बच्चों एक बार देख लेते हैं बच्चों, लेट्स बगू फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। एनी सर्विस और हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडेड बाय होम बच्चों? सर्विस में इंक्लूड व्हाट बेटा? प्रोवाइडिंग अ पर्सन विथ व्हाट बेटा? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी विथ व्हाट बेटा? फ्री बोर्ड, फ्री फ्री बोर्ड बेसिकली ट्रेवल इंक्लूड करता है। ठीक है, दूसरा रहने का,
लोकल ट्रांसपोर्ट जो आपको लोकल में ट्रेवल करना है, और मेडिकल ट्रीटमेंट, और यहां पे मैंने बताया फ्री मींस फ्री नॉट कंसेशनल। अगर ये सारी चीजें आपको कैसे मिल रही हैं, अरे फ्री नहीं बाबा, ये सारी चीजें अगर आपको कंसेशनल रेट पे मिल रही हैं तो वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इस कानून के अंदर नहीं कहलाएगी। कंसेप्ट सारे लोगों को क्लियर है बच्चों? श्योर एवरीवन? नाउ ध्यान से देखिए बच्चों, अगला क्या है बच्चों, सुनिए ध्यान से बच्चों, व्हाट दिस फॉरेन सोर्सेस। वेरी नाइस बेटा। तो बच्चों ऐशी सेड कि इट इज अ फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स का मतलब जहां से पैसे आ रहे हैं। तो बच्चों फॉरेन सोर्स का मतलब ध्यान से देखिए बच्चों, ये कोई भी है बट इंडियन तो नहीं है, ये कोई भी है पर क्या नहीं है, इंडियन नहीं है। सो ये बंदा फॉरेन सोर्स है और ये हमारे लोगों क्या करता है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन देता है या फिर क्या देता है, फॉरेन, जिसके कारण हमारे लोग डामर बन रहे हैं, जिसके कारण हमारे लोग देश हित के, देश द्रोह की बात करते हैं, देश की मुखालफत करते हैं, देश की बदनामी करते हैं। यस और नो बच्चों? तो बच्चों कौन है ये बच्चों, क्या ये विदेशी नागरिक हो सकता है, फॉरेन का सिटीजन हो सकता है, क्या ये फॉरेन की कंपनी हो सकता है, क्या ये मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है, अरे हाँ या ना, क्या ये फॉरेन की कोई ट्रस्ट हो सकती है, क्या ये इंडियन कंपनी हो सकती है जिसमें 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल इंडिया के बाहर के लोगों की हो सकती है, अरे हाँ या ना, ओके। क्या ये फॉरेन की ट्रेड यूनियन हो सकती है, अरे हाँ या ना, क्या ये फॉरेन की गवर्नमेंट हो सकती है, अरे हाँ या ना, अच्छा क्या क्या ये फॉरेन की एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, लेकिन ये एग्जाम में लिखेंगे तो 0/ढपला मिलेगा कि फॉरेन के जितने लोग हैं, इसलिए मैं आई एम बच्चों ध्यान देखिए, डेफिनेशन इंक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि अगर तुमने एक को भी छोड़ दिया तो क्या होगा, वहां से पैसा आएगा और इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बनाया है, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन, इन सब लोगों को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी अपन लोग बच्चों, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अनुमति लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना।